हाय गाइस, वेलकम टू तिरंग व्लॉग। कैसे हो गाइस आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और गाइस आज है डे 5 ऑफ माई फास्ट ट्रैक डाइट, और अब मैंने जीरा पानी पी लिया था, ड्राई फ्रूट खा लिया था, मीटिंग सब खत्म। अब चलते हैं मम्मी के पास और पूछते हैं आज वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हैं। सो लेट्स गो गाइस। अब हम बना रहे हैं अपना लौकी का चिल्ला। भाई पहले एक चिल्ला तो खराब हो चुका है, अब दूसरा देखते हैं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें हमने दही भी ऐड करी है। रुको बिना छेड़ो, इसमें अभी हमने दही भी ऐड करी है, तो अब देखते हैं। और अगर बढ़िया बना फिर आपको भी रेसिपी बता देंगे, फिर आप भी बना लेना। हमारे चिल्ले का तो बिल्ला हो गया भैया, बनना रहा बिल्कुल भी। यूट्यूब वालों का कैसे बनता है ए मम्मी? यूट्यूब वालों का कैसे बनता है? अब ये भैया ने ना पहले भी एक बार बनाए थे, उसके साबूदाने के चिल्ले ऐसे दुखी हो गए, ऐसा चिल्ला बन रहा हमारा। तो 10 रुपए की सूजी ला और भाग के एक और भी ट्राई करती रहो आप। वाह क्या चिल्ला बनाया मम्मी, वाह वाह। सो गाइस भाई अब हो गया लंच टाइम। आज ब्रेकफास्ट में तो कुछ नहीं किया, बस फिर चाय पी ली थी, चिल्ला बनानी, उसके बाद सूजी खत्म हो गई, बारिश आ गई, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद बस चाय पी ली, फिर थोड़ा सा भी फ्रूट खाया था, अनार, उसका शॉट लेना भूल गई, आई एम सॉरी। अब हो गया लंच टाइम। लंच में आज खाएंगे लौकी की सब्जी साथ में रोटी। मम्मी तो खाने लगी हैं। ये बनी है लौकी की सब्जी और रोटी। कैसी बनी है? मस्त। बस मेरा ही खाना मस्त नहीं बनाती है, ये तेरा ही है। लौकी का चिल्ला कैसा बनाया था? इनका तरीका हमें अच्छा नहीं लगा, बनता नहीं वैसे, है ना? यूट्यूब वाला, यूट्यूब पे भाई हमने बहुत बार देख लिया, ऐसा वो चीजें दिखाते हैं ऐसे बन जाएगा ऐसा बन जाएगा, पर बनता नहीं है। सच बात है, हमने इतनी बार ट्राई किया, 2 से 3 बार, पर बना ही नहीं वो। तो चलो गाइस अब कर लेते हैं लंच। अब मैं खा रही हूँ लौकी की सब्जी और साथ में 2 रोटी। आज तो भाई इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा कि कुछ छूट नहीं किया मैंने सुबह से ज़्यादा। अब पी रही हूँ बस नारियल पानी, आज शाम को कुछ नहीं खाया मस्त। अब रात को आज डिनर में बनेंगे दाल चावल, मेरे फेवरेट अरहर वाले, तो दाल चावल खाएंगे। और पापा भी आ गए, मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। और सॉरी आज कोई व्लॉग नहीं बना पाई, बट वही है, खाने के बाद इलायची वाटर पिया, अब नारियल पानी पी रही हूँ, रात को डिनर करेंगे और मिलवाती हूँ चलो आपको पापा से। हेलो पापा। हाय मेरे बच्चा, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आ गए आप? हाँ जी मैं घर पे आ गया बेटा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी बेटा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। झूठ कितना बोलोगे? सच बोल रहा हूँ बेटा मैं। आपने बेटा स्प्रिंग रोल खाए मेरे बिना बिना बेटा? ये बात नहीं बतानी थी, बतानी थी बेटा। भाई आज शाम को मैंने स्प्रिंग रोल खा लिया है, इसीलिए मैंने कोई डाइट नहीं करी, कोई स्प्राउट्स नहीं खाया, क्योंकि स्प्रिंग रोल खाए आज। पर पापा ने ये भेद खोल दिया, मैं सोच रही थी छुपा लूँ। सो गाइज अब हो गया डिनर टाइम, और गाइज इतनी ज़्यादा लेट हो गया ना भाई आज तो। अभी पहले मैंने लेट नारियल पानी पिया था, उसके बाद हमारे घर थोड़े से गेस्ट आ गए, इतना लेट हो गया भाई, इतना लेट हो गया। अब 10:30-11 बज गए, अब मैं डिनर करने लगी, इतना ज़्यादा लेट हो गया ना। बस ये रे मेरा खाना बिल्कुल पैक रखा है, अब दाल चावल डालती हूँ और खा लूँगी बस, फिर उसके बाद थोड़ी देर में धनिया वाटर पी के मस्त से सो जाऊंगी, क्योंकि कल रात को भी मैं इतना ज़्यादा लेट सोई, मुझे इतना सारा काम था तो। और आज मेरी जिम, भाई यहाँ पे बारिश ही नहीं रुक रही भाई, उस वजह से मेरी पूरी सारी जिम भी रह जा रही है, इतना परेशान हो रही हूँ ना मैं, बस पूछो ना। गेस्ट आ गए थे, फिर उस वजह से खाना भी मेरा इतना लेट हो गया, बल्कि मेरे को 8:30 बजे खा लेना चाहिए था, और अभी 10:30 बजने वाले हैं। तो बस यही हो रहा है मेरे साथ, कल से फिर से कंटिन्यू करते हैं सही से, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, फिर 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाती है चीज़ें। तो बस गाइस अब लंच कर डिनर करने लगी हूँ, उसके बाद धनिया वाटर पी के सो जाऊंगी। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलूंगी दोबारा से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।